हेलो दोस्तों दोस्तों जब हम नए नए क्रिएटर होते हैं तो हमारे पास स्टूडियो अच्छा सा नहीं होता है दोस्तों, तो हम कहीं पर भी बैठ के वीडियो बना लेते हैं दोस्तों, जिसमें भी हमारा देख सकते हैं बैकग्राउंड एकदम प्लेन है दोस्तों। मैं भी एक जगह पे बैठ के ही वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों किसी किसी के घर में तो ये भी नहीं होता है कि प्लेन बैकग्राउंड मिल जाए, उनके दीवार पीछे होती है या ग्रीन स्क्रीन लगा कर के वो वीडियो बनाते हैं दोस्तों। लेकिन लेकिन दोस्तों एक ऐसा टूल लेकर आया हूँ मैं दोस्तों कि अपने बैकग्राउंड को आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों। और कैसे चेंज करेंगे, बहुत ही अच्छा एआई टूल है दोस्तों। ये एआई टूल की मदद से आप एक अच्छा स्टूडियो क्रिएट कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड में दोस्तों। एकदम आर्टिफिशियल स्टूडियो लगेगा दोस्तों, नेचुरल स्टूडियो लगेगा, कि लगेगा कि ये सच में ही स्टूडियो है दोस्तों, स्टूडियो में अपना वीडियो शूट कर रहे हैं दोस्तों। तो सारा सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं दोस्तों, किस तरीके से एआई टूल की मदद से आप अपने पीछे बैकग्राउंड पूरा चेंज कर सकते हैं और अच्छा सा स्टूडियो क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों, और अपने वीडियो को और भी अच्छा बना सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाता रहता हूं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त एंड होस्ट गोलू कुशवाहा, आप देख रहे हैं टेक भास्कर दोस्तों। तो चलते हैं आपको उस एआई टूल्स पर ले चलते हैं जहां से आप अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, अच्छे स्टूडियो में तब्दील कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है और आपको एक बढ़िया सा स्टूडियो नज़र आ रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी अपने वीडियो के पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड लगा सकते हैं अपने पीछे, जो ऑडियंस को आपको बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन करेगी दोस्तों। आपके ऑडियो ऑडियंस जो है वो आपके वीडियो को देखने में उसको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके बैकग्राउंड का पीछे का जो पूरा रूप होगा वो बदल जाएगा दोस्तों। तो आइए जानते हैं किस तरीके से एआई टूल्स का मदद लेते हैं दोस्तों, ये कौन सा एआई टूल है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं आपको, क्योंकि देखिए आप अपने स्क्रीन पर कि आपके मोबाइल स्क्रीन, मैंने रिकॉर्डर ऑन कर दिया, स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं कि हम जाएंगे गूगल क्रोम पर दोस्तों। जैसे ही हम गूगल क्रोम पर जाएंगे तो गूगल क्रोम पर जाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सर्च करना है एडोब फायरफ्लाई दोस्तों। एडोब फायरफ्लाई एडोब फोटोशॉप का ही एक भाग है, तो इसको यहाँ से सर्च कर लेते हैं। जैसे यहाँ सर्च करेंगे दोस्तों तो सबसे ऊपर एक वेबसाइट आ रही है एडोब की दोस्तों, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप ध्यान से देखना, एक एक स्टेप देखना, आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों करना क्या है दोस्तों। जैसे दोस्तों आपको जाना है तो दोस्तों नीचे जाएंगे आप यहाँ पर, तो नीचे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर जनरेटिव फिल्स का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर जनरेटिव फिल्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो दोस्तों आपको क्या करना है, अपना वीडियो जो है वो पोर्ट्रेट में शूट कर लेना है, जैसा कि ऐसे करके फ़ोन को अपने वीडियो को शूट कर लेना है अपने फ़ोन पर उसको, और उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है वो मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, कि दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जब अपलोड इमेज का ऑप्शन आ जाएगा, अपलोड इमेज का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर अपलोड इमेज पर जाना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको देखना है क्या करना है, कि जैसे आप गैलरी पर जाएंगे दोस्तों, गैलरी पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहां से वो पिक्चर ले लेनी, वो फ़ोटो ले लेनी जो आपने स्क्रीनशॉट ली है अपनी। तो दोस्तों जैसा कि हमने ये वाली पिक्चर अपनी ले ली है, जैसा कि ये वाला मैंने स्क्रीनशॉट लिया है अपना, तो दोस्तों स्क्रीनशॉट को ऐसे ले लेना है अपने और इसको 16:9 में कन्वर्ट कर देना है। वो कैसे करेंगे, वो आप पिक्सल लैब पर जाएंगे और वहाँ से यूट्यूब का फ्रेम का जो 16:9 होता है उस पर सेलेक्ट करके इस फोटो स्क्रीनशॉट को 16:9 पर कर लेना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे कर लिया है दोस्तों। ये ऐसा कर लेना है दोस्तों। इस तरीके से करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे आ गए तो अब इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है ध्यान से देखना दोस्तों। जैसे ही यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ से फिंगर से ऐसे टच करना है, इसको इरेज कर देना दोस्तों। जैसा कि ये देख सकते हैं दोस्तों, ये इरेज हो रहा है दोस्तों, इसका साइड साइड इरेज कर देना दोस्तों। जैसा कि दोस्तों ये इरेज हो गया है, जैसा कि इसको इरेज कर देते हैं, इरेज कर दिया है। इरेज करने के बाद दोस्तों नीचे देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है डिस्क्राइब द इमेज यू वांट टू क्रिएट, आपका क्या क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पे आप लिख दीजिए दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं रूम डेकोरेट विंडो आर्टिफिशियल वुड सेल्फ बुक्स ग्रीन इंडोर ग्रीन प्लांट।
इतना करके दोस्तों यहाँ पे जनरेट पे कर देंगे। जनरेट पे करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे नज़र आने वाला है आपको, ध्यान से देखना दोस्तों। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, तीन ऑप्शन मिलने के बाद दोस्तों थोड़ा सा समय लेगा जनरेट होने में। जनरेट होने के बाद दोस्तों आप ध्यान से देखना, यहाँ पर आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा दोस्तों। जैसे चेंज हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ से आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे कि आप कौन कौन सा बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं अपने पीछे बैकग्राउंड में, जो अच्छा लगे आपको वहाँ से ले लेना है दोस्तों। जैसा कि थोड़ा सा टाइम ले रहा है दोस्तों, जैसे ही ये ओपन होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं कि ये यहाँ पे पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है दोस्तों, एकदम अलग आ गया है बैकग्राउंड। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं, इस जगह से यहाँ से देखिए इस तरीके का कुछ बैकग्राउंड आ रहा है पीछे। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी एकदम पीछे का पूरा चेंज हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर चेंज हो जाएगा दोस्तों। इस पर थोड़ा सा पीछे का वाइट आ रहा है, अभी भी देख रहे हैं आप यहाँ पर वाइट आ रहा है, तो इसको भी यहाँ से कर देते हैं थोड़ा सा सेलेक्ट। तो दोस्तों इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद दोस्तों इसको भी इरेज कर देंगे दोस्तों। जैसा कि दोस्तों इसको सही से इरेज करेंगे, इरेज करने के बाद फिर से करेंगे इसको इस तरीके का, और यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे दोस्तों। इसके बाद फिर से जनरेट कर देंगे दोस्तों। जनरेट करने के बाद दोस्तों आप देखना किस तरीके से आता है ये दोस्तों, फिर से ये खुलेगा और फिर से आपको बैकग्राउंड चेंज कर जो भी आपको चाहिए यहाँ से मिल सकता है दोस्तों। ये अलग अलग आपको चाहिए अलग अलग मिल सकता है, जो आप लगाना चाहे वहाँ पे इरेज करके आप वो चीज़ मंगा करके वहाँ पे लगा सकते हैं दोस्तों। वो भी दिखाऊंगा अभी आपको एक एक स्टेप में। जैसा कि दोस्तों मैं पूरा वॉल चेंज कर रहा हूँ, इसी तरीके से आप जो एक एक चीज़ चेंज कर सकते हैं अभी मैं एकदम बताने वाला हूँ दोस्तों। इस स्टेप स्टेप इस बताऊँगा, ध्यान से देखना इस वीडियो को दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये पूरा बैकग्राउंड इसका चेंज हो चुका है, काफ़ी गजब का लग रहा है बैकग्राउंड दोस्तों। इस तरीके से आपको यहाँ पे देख सकते देखने को मिल रहा है कि इस तरीके का बैकग्राउंड आ रहा है कुछ दोस्तों। इस पर मोर पे जाएंगे और आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, जितने बार आपको चेंज करना है उतने बार आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फिर से आपको ऑप्शन मिलेगा, फिर से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे जैसे जितने आपको जितने बार आप करेंगे उतने बार तीन 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 करके आपको बैकग्राउंड अलग अलग मिलेंगे दोस्तों। जो भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आपको लगा लेना है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हमें यही वाला अच्छा लग रहा है वीडियो, ये वाला बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे इस जगह पे ऊपर थ्री बिंदी पे, यहाँ पे ये देख सकते हैं दोस्तों, इस थ्री बिंदी पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर देंगे दोस्तों, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर डाउनलोड कर देंगे दोस्तों। जैसे डाउनलोड करेंगे तो ये हमारा गैलरी पे बैकग्राउंड के साथ में ये फ़ोटो चला जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हमें क्या करना है, काइन मास्टर पर जाना है। काइन मास्टर पर जाने के बाद दोस्तों हमें वीडियो को एडिट करना है दोस्तों। वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना इस वीडियो को, कैसे करना है आपको एडिट दोस्तों। ये देख सकते हैं ये हमारा फाइल चला गया है, अब हम इसको एडिट करते हैं काइन मास्टर पर दोस्तों। एडिट करना शुरू कर दिया दोस्तों। जैसा कि जिस भी ऐप से आप जिस एडिटिंग करते हैं, जैसे काइन मास्टर VN ऐप या इनशॉट से, उससे आप एडिट कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं इनशॉट से कर रहा हूं दोस्तों, इनशॉट से जाएंगे दोस्तों, यहां पर रेशियो को सेलेक्ट कर देंगे। यूट्यूब का रेशियो होता है 16:9 का दोस्तों, आपको सेलेक्ट कर लेना है जो पोर्ट्रेट में होता है दोस्तों, तो इसको कर लेना है। इसको करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से आ जाएगा दोस्तों। आपको अब क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देखना दोस्तों। इसको यहाँ से बढ़ा लेते हैं दोस्तों, इसको जितना बड़ा आपका वीडियो है उतना ही बड़ा यहाँ से कर लेते हैं इसको। इसको करने के बाद दोस्तों यहाँ तक देख सकते हैं हमने इसको बढ़ा दिया है, इसकी टाइम लिमिट कर दी है 1 मिनट की। तो दोस्तों इसके बाद हम जाएंगे नीचे। नीचे जाने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर लेयर लगानी है, तो लेयर कैसे लगाएंगे आप लोग ध्यान से देखना दोस्तों। यहाँ पे जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं मैंने सेकंड लेयर लगा लिया है। अब इसको क्या करेंगे, इसको क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के लिए दोस्तों यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मस्क कर देंगे इसको। मस्क करने के बाद दोस्तों इसको यहाँ पे इस तरीके से हमने वीडियो बना लिया है, अब इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद दोस्तों आपको दिखाते हैं किस तरीके के ये बन के तैयार हुआ है दोस्तों। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अपने पीछे का बैकग्राउंड किस तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। AI टूल की मदद से हम अच्छा स्टूडियो क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों, बिना किसी ग्रीन स्क्रीन के दोस्तों। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप बैकग्राउंड AI टूल्स की मदद से, बेहतरीन AI टूल की मदद से बेहतरीन स्टूडियो किस तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आशा करते हैं कि इस AI टूल की मदद से आप अपने बैकग्राउंड को रिमूव करना समझ गए होंगे, किस तरीके से अच्छा सा स्टूडियो क्रिएट करना है सारा सब कुछ जान गए हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। वीडियो कर देना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक।